उल्टा डाल दिया। अभी सुनो सुनो, जो आने वाला सर आए ना, तो बच्चों बहुत मारता है, वो खड़ू से उससे बच के रहना, उसकी जगह तुम मस्ती मत करना, बता दे। अबे जा, तुम ऐसे ही डरते रहते हो। अबे जाओ, तुम लोगों को पता चलेगा। मारा दुबे, अबे जाओ। राइट राइट, सेट डाउन, बैठिए। जिसकी जिसकी फीस जमा होगी वो बैठा रहे, और जिसकी नहीं जमा वो खड़ा हो जाए। तुम्हारी नहीं जमा है क्या? नाम सर, मेरा नाम अनुराग। ओके, मैं तुमको देखता हूँ। अनवर हुसैन, तुम्हारी फीस 5-6 महीने से नहीं जमा है। जब फीस जमा हो जाएगी तभी स्कूल में चल भाग। सर कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए, मेरे भाई आके जमा। अभी खड़ा है, चल भाग। फीस जमा नहीं रही थी साले के, आके बहाना मारते हैं। क्या वो छोटू क्यों रोए हो? वो सर ने ना। अनवर हुसैन, तुम्हारी फीस 5-6 महीने से नहीं जमा है। जब फीस जमा हो जाएगी तभी स्कूल में चल भाग। सर कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए, मेरे भाई आके जमा। अभी खड़ा है, चल भाग। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं तुम्हारी फीस का इंतजाम करता हूँ। ठीक है भाई। आज का काम हो गया है, मालिक से पैसा ले भाई की फीस जमा करने के लिए। हाँ यार, बस यही काम में बजा हूँ। ये घर बन जा थोड़ा, अभी मिट्टी उट्टी कटवा रहा था। हाँ वही मिट्टी उट्टी कटवा रहा था, बस उसी में बजा हूँ। एक बंदा है वही काम कर रहा, बस अभी वही शाम को आ रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ ठीक रखो। बताओ क्या हुआ? मालिक आज की मजदूरी दे दीजिए। मजदूरी सही है, काम कर दियो ना पूरा सही सही। आ चलो देखें। कौन से मट्टी काट रहे थे? मालिक वाली मट्टी काट रहे थे। वो वाली कौन कर तुमसे? मैं ये वाली कटवा रहा था तुमसे। फालतू काम में दिमाग लगता, पैसा लेने चले आते हो। भागे थे यहाँ का खराब है, भागे थे। अबे रख क्या फोन। क्यों रो रहा है? पता नहीं, चलो आओ देखते हैं। आओ। क्या हुआ भाई? क्या करूं भाई, मैंने एक वो वाली कौन करती भाई, ये वाली कटवा रहा था। फालतू काम में दिमाग लगता, पैसा लेने चले आते हो। भागे थे मेरे साथ। बता दे तुम लोग का डेली का यही है, फिर भी मस्ती करते हो, ऐसे ही आधे घंटा रहना पड़ेगा। चुप, एकदम चुप, ऐसे रहो। सर एक मिनट बाहर आ जाइए। क्या हुआ? प्लीज बाहर आ जाइए।
आप ही नहीं जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। आपने अपने क्लास से किसी स्टूडेंट को भगाया था फीस के लिए? हाँ भगाया था। 5-6 महीने से इनकी फीस नहीं जमा, मैं क्या करूँ? मेरी भी मजबूरियाँ हैं, जब फीस जमा करेंगे तभी इनके भाई को पढ़ाऊंगा, उससे पहले नहीं पढ़ा सकता मैं। ज़रूरी नहीं है टाइम टाइम पर फीस जमा हो जाए, सबके घरों में परेशानी लगी रहती है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, फीस जमा करेंगे तभी उनका भाई आकर पढ़ेगा, नहीं मुझे इससे मतलब नहीं है। वो चाहे जहाँ चलाकर अपनी फीस जमा करें तभी मैं पढ़ाऊंगा। सर सुनिए मेरी बात, आपके घर में किसी की भी तबीयत खराब हो जाए आप फौरन उसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाएं, तो डॉक्टर बोले आप पैसे का इंतजाम करिए तब मैं इनका इलाज करूँगा, तो आपके पास पास एक पैसा भी ना हो आपको कैसा लगेगा? बहुत ख़राब लगेगा, क्योंकि मैं हालात से मजबूर रहूँगा, मेरे पास एक रुपया नहीं रहेगा। तो वैसे ये भी है, एक दूसरे की फीलिंग समझो। आप लोगों की बात मुझे समझ में आ गई भाई साहब, मैं शर्मिंदा हूँ। जब तक आपका भाई मेरे स्कूल में पढ़ेगा तब तक के लिए उसकी पूरी फीस माफ़ है, मुझे आप पसंद आए भाई। ठीक है भाई साहब, मैं चलता हूँ, बच्चे क्लास में शोर मचा रहेंगे, मुझे अपनी क्लास भी अटेंड करना है। ठीक है। भाई अब खुश, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भाई, आप जानो कि मेरी इतनी मदद कर दी, मेरे अपने लोगों की कोई मदद नहीं किया भाई। थैंक यू भाई।